पर जो है मैंने नहा धो लिया है और मुझे लगानी है तुलसी। तो मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ ला के रखी थी, मंदिर में कान्हा जी के पास रख दी। तो मुझे लगानी है तुलसी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर काम वगैरह सब हो चुका है, नाश्ता बन चुका है, तो मैंने बच्चों ने अभी नहीं किया है तो हम करेंगे। ये जा चुके हैं खा के और मेड जो है वो काम भी करके जा चुकी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं जो लाई थी तुलसी तो मैंने यहाँ रख दी थी मंदिर में, तो अब मैं उस तुलसी को लगाऊँगी। तो क्या कहते हैं पानी वानी नहीं देना होता बुधवार को और संडे को, तो मैंने कहा चलो इसे लगा लेते हैं। मैंने मंदिर में एक तो ऊपर रखी है मंदिर के, एक मंदिर में रखी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए इस वाली बैलकनी में ये प्लांट है मेरे जो लगे हुए हैं, तो पता नहीं कौन सा कीड़ा है जो खा रहा है आके या चूहा, तो मैंने यहाँ जाल लगा दिया है और ये हरा होता है फिर सूख जाता है। तो ये बहुत अच्छा पेड़ था और इसको भी पता नहीं कहाँ से वो कीड़ा है कोई खा रहा है, तो इसको दूसरी बैलकनी में रखूँगी और यहाँ लगा दी है मैंने तुलसी। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो मैंने मोड़े पर बैठ के लगाई थी, नीचे बैठना तो भैया अपने बस की बात है नहीं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और डस्टिंग करनी है तो बस डस्टिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने रेड लुक दिया हुआ है मंदिर को और ये रही एक तुलसी और यहाँ पर है जो मैंने रखी है उसको लगाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको जैसे A4 साइज़ की शीट थी मेरे पास, तो देखिए मैंने उनको इस तरह से कटिंग करके, कलरफुल थी तो मैंने इस तरह से एक बटरफ्लाई की कटिंग करी, फिर उसके ऊपर इस तरह से लगाया, एक मैंने काइट बनाई थी। तो मैंने पूरी वॉल जो है ना और छोटी छोटी इसको डेकोरेट करने के लिए बीच बीच में मैंने ऐसी ऐसी सी काइट लगाई हुई है। तो दिखाती हूँ आपको कैसा सा लुक दिया है मैंने इस वॉल को। तो ये देखिए ऐसा सा लुक दिया है मैंने इनको। तो यहाँ है ये मोरपंख और यहाँ लगाए हैं मैंने ये, तो बताइएगा कैसे लग रही है ये। तो एक्टिविटी करने का बहुत शौक है मुझे, तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से मैंने करी नहीं है तो अब फिर से शुरू करूँगी करना। तो चलिए पहले हम इस तुलसी के पौधे को लगा लेते हैं। आपके यहाँ हो गए थे लंच, 2 बजे है तो हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट, तो चलिए खा लेते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो आज था बर्थडे मेरा और शाम को भाई के बच्चे और भाई आ गया था छोटा वाला, तो वो सरप्राइज़ देने आया था, तो मैंने वो शूट नहीं किया था, घर पे आया था। तो हमने गोलगप्पे और वो मोमोज वगैरह जो भी कुछ था वो लाया था, तो वो फिनिश करके हमने कहा चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। तो यहाँ बाहर खाना खाने आए हुए थे और काफ़ी दिनों बाद भाई आया था, मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाद ही आया था, और जबकि हम दूर नहीं रहते हैं, लोकल ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते। और यहाँ भाभी है, छोटी वाली है ये, तो मैं आपको बता रही थी यहाँ पर कि हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, तो मैं इससे पूछ रही थी तो कितने दिनों बाद मिली है मुझसे, तो बोली दीदी घर तो ये 2-2.5 महीने बाद ही आई थी, हम मिले थे हाँ 2-2.5 महीने इसके बेटे के बर्थडे पे जब मैं गई थी तब मिले थे। तो वो ये बोली, तो मुझे जैसे मैं जाती थी तो बोली आ जा, तो मैंने कहा नहीं 10-15 मिनट के लिए, फिर ऊपर वाली भाभी पे नीचे तो टाइम नहीं पता चलता उतने में। तो मैं शॉप पे जाती थी तो दोनों भाइयों से मिलाती थी वहीं शॉप पर, और यहाँ ये कहती आधे घंटे में तो हम लोग का पेट ही नहीं भरता, हम 1.5 घंटे 2 घंटे तक बातें करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो थे वो अपना इन्जॉय कर रहे थे, बच्चों का काम क्या होता है फ़ोन हाथ में लेके बस फ़ोन पर मस्ती करते रहना। तो वो छोटा वाला था तो उसका फ़ोन नहीं था, शायद वो नहीं लाया था, पता नहीं क्या था, तो वो उससे ऐसे ही बैठा हुआ था, फूल से खेल रहा था, उसने फ्लावर दिया तो फ्लावर को मतलब फ्लावर से खेल रहा था वहाँ पर। तो यहाँ ये उस वक्त मतलब फ़ोटोज़ वगैरह सब ले रहे थे, और ये ना उस पर जैसे वो आती है ना पता नहीं गंजे वाली और कैसी कैसी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, तभी बच्चे हंस रहे थे। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, तो खाना वगैरह हो चुका था, यहाँ हम फोटो खींच रहे थे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो मैंने ना करौंदे आज सुबह में ही काट के रख लिए थे तो अब उसे बनाते हैं। तो करौंदे फ्रिज में रखे हैं और यहाँ 2-4 ही बर्तन हैं, तो पहले वो रख देते हैं और अब बनाते हैं करौंदे। और मैं उसमें डालूंगी हरी मिर्च बहुत अच्छे से, तो खट्टे खट्टे से और तीखे से होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं खाने में। तो 2-3 बर्तन थे वो मैंने धो लिए हैं, तो अब बनाते हैं फटाफट से सब्जी। 2 बर्तन क्या वही चाय के बर्तन थे, तो पहले काट लेती हूँ आलू और करौंदे मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, तो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करूँगी मैं इसमें भी। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चें जो कट कर ली है, ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने यहाँ मैंने 2 आलू भी जो हैं कट कर लिए हैं तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तो मैं आटा वगैरह मल लेती हूँ
और मैं आलू में ना अभी सिर्फ नमक डाल के उसको ढक के रख दूँगी जिससे कि आलू अच्छे से फ्राई हो जाए और गल जाए। तो मैं करौंदे डालूँगी, करौंदे पकने में ज़्यादा देर भी लगेगी। तो वहाँ बर्तन पड़े हैं, थोड़े बर्तन भी हैं जो लगा लेती हूँ, और करौंदे हैं जो कि मैंने पानी में डाल लिए हैं अच्छे से धोने के लिए, क्योंकि ना मैंने सुबह काट लिए थे, खाली बैठी थी तो मैंने काट लिए थे। तो अब इसको मैं इसलिए भिगो के रखती हूँ कि इसमें ना थोड़ा सा वो जमा हुआ है ना खट्टेपन से, तो इससे बड़ा कूड़ा निकल जाएगा सारा। तो मैं किचन में काम करते हुए ना सामने से वो खोल लेती हूँ, डोर खोल लेती हूँ जिससे ना गर्मी नहीं लगती है। तो मैं जीरा नहीं डालूंगी, जैसे मैंने आपको देखा मैंने भुना हुआ जीरा रखा है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ और वही डाल दूँगी इसके अंदर। और मैंने गैस जो है फुल पे कर रखी है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ना फुल पे सब्जी बनाती हूँ, जब सब्जी का पानी वानी सब कम हो जाता है तो मैं उसे सिम पे रखती हूँ। तो बहुत से घरों में पहले सिम पे पकाई जाती है, तो मैं अलग से पहले मैं वही करती हूँ कि मैं पहले इसे फुल पे रखती हूँ। खांसी इसलिए आ रही है, मिर्च का जो है ना वो धक्का सा लग रहा है, तो मैंने इसके अंदर हींग डालना भूल गई थी, तो अब मैंने थोड़ी सी हींग इसके अंदर ऐड करी है। तीखी इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि करौंदे खट्टे बहुत होते हैं ना, फिर वो दांतों पे लगते हैं। तो चलिए बर्तन में आटा भी मल लेती हूँ। तो यहाँ बस आलू जो थे वो फ्राई हो चुके थे, और ये बोल रहे हैं तुम्हें कुछ और दिखता नहीं है, जब मन करता है तो करौंदे की सब्जी और मूंग की धुली दाल बना देती हो। तो मैंने कहा मूंग की धुली दाल तो वैसे भी आपकी फेवरेट है, तो फिर मैं क्या बनाऊँ। तो बोलते कि उस दिन बेटी से बोलने लगे बस बना दिया होगा माँ ने धुली दाल और करौंदे की सब्जी। तो करौंदे रखे हैं तो फिलहाल अभी तो मैं नहीं बना रही हूँ, और ये पहले की है वीडियो जो थी, तो बस इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी और धनिया डाल दिया था। वैसे भी जब मैं आलू फ्राई करती हूँ तो नमक डाल के ही फ्राई करती हूँ थोड़े। तो बस इसमें अब करौंदे डालने थे, और ये सब्ज़ी करौंदे डालने के बाद तो बस 5 मिनट में तैयार हो जाती है। करौंदे जो है वो जल्दी पक जाते हैं, आलू जो है तो वो थोड़ा गलने में ना टाइम लेता है। तो बस सब्जी बनके डन थी। और आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, और नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बनने ही वाली थी। तो आजकल वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा, बारिश हुई है उसके बाद भी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मन ही नहीं करता बिल्कुल कहीं वैसे किचन वगैरह में घुसने का। और आजकल मैं मेडिसिन वगैरह जब ज़्यादा खाती हूँ ना तो पूरी किचन में जाती है पूरी, मतलब गीली ऐसा लगता है जैसे नहा के निकली हूँ, इतना पसीना आता है मुझे। तो मुझे घबराहट होती है उस चीज़ से, तो मुझे होता है फटाफट से किचन से काम करके और बाहर झट से भाग आओ, क्योंकि ज़्यादा देर तक खड़े हो तो फिर परेशानी होती है। और मैंने यहाँ पर ये बन चुकी थी, और साइड में मैंने रखी हुई थी जो कि धुली दाल और मूंग धुली दाल थी जो मैं हांडी में पका रही थी। तो हांडी में पकाने से ना मतलब सब्ज़ी का बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाता है, तो मैंने कहा इनको अच्छी लगेगी इसलिए मैंने हांडी में ही पकाई थी। तो मैं मल रही हूँ आटा, और सब्ज़ी लगभग बन चुकी है, और दाल जो है मैंने अभी भिगो रखी है, और टाइम हो रहा है 9:15। तो मैं कुछ खाके धुली दाल बनानी है, और करौंदे कटे हुए हैं तो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा किचन में, तो इसलिए मैं बहुत लेट आई हूँ। 9:15 बजे ही किचन में घुसी हूँ, तो शायद 9:30 हो रहे हैं। तो बस आटा भी मल गया, सब्जी भी बन गई, दाल भी जब तक ये चाय पियेंगे तब तक दाल भी बन जाएगी। तो दाल बन गई है, मैंने बनने सब्जी बन चुकी है, और अब बस मैं रोटी बना। तो मैंने खाना बना लिया, और मैं थोड़ी देर यहाँ लेट गई हूँ क्योंकि मुझे ना किचन में गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर मैं खाना लगाऊंगी, क्योंकि ये अभी चाय पी रहे हैं तो इनको आगे चाय की बहुत ज़्यादा नशा रहता है, और मैं दिन में 1-8 कप पी लूँ नहीं तो नहीं, कोई वो नहीं होता, नशा नहीं होता, बस मैं ऐसे ही पी लेती हूँ, और वो भी पता नहीं क्यों पीती हूँ मैं, कि अच्छी चीज़ तो नहीं होती है ये। तो चलिए फिलहाल दाल भी बन चुकी, सब्ज़ी बन चुकी, मैंने चपाती भी बना दी है, तो जब खाएँगे तो मैं खाना लगा दूँगी। देखिए यहाँ पर ना ये गैस बंद है, और 5 मिनट हो चुके हैं तो भी दाल उबली रही है इसके अंदर। तो हांडी में इस तरह से ही होता है, और यहाँ सब्जी तैयार है। तो छोटी वाली बेटी ने जो चावल पड़े थे ना तो अपने लिए चावल टमाटर वाले बनाए हैं, तो चलिए मैं इनको भी खाना दे देती हूँ। तो यहाँ खाना डल चुका है, और ये देखिए सुबह की घुमक्कड़ घर में अब घुसी है, और ये चावल में चावल इज बेस्ट, मेरी सास भी कह रही थी आशी के हाथ में स्वाद स्वाद, अन्नपूर्णा है वो सच सीरियसली अन्नपूर्णा। और आप इनके हाथ का खाना खाएंगे तो इतना टेस्टी नहीं बनाती है, ऐसा नहीं अच्छा नहीं होता खाना, पर आशी जैसा नहीं हो सकता, ये किचन में थोड़ा शौक से भी नहीं आशी खाना मम्मी से। तो अब आज से ऐसा होगा, कल से एक हफ्ता ये सुबह की कब खाना बनाएगी, एक हफ्ता मैं रात को, एक हफ्ता मैं, तो ऐसा हम करेंगे ना। हाँ
तो वैसे ही ब्रेक हो गया। हाँ वो यहाँ देखिए, जैसे मैं बता रही थी आपको, ये चटेरी देवी, ये देखिए गाइस कैसे हो आप सब। और मैंने कहा था आपको ये अच्छी चीजें नहीं खाई है, वो अंडे फूड। तो ये देखिए आलू भर के लाई है, आलू नहीं है अंडे में है, और वहाँ देखिए मेरे रखे हैं कड़ी पत्ते गाइस, जो तो मैं किसी के लिए तोड़ के लाई थी। तो जैसे कि हमने आपको कल भी बोला था, आज हम फिर से इस ब्लॉग में बोल रहे हैं, इसलिए हमारा ब्लॉग जो है वो पूरा देखा करिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करो, हर जगह शेयर करो। और आपको करना क्या है, हमारी तीनों के आइडियाज़ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, और जो भी हमारी रेसिपीज़ वगैरह होती हैं उसका आपको आप बनाओगे तो उसका फीडबैक शेयर करोगे, वो फोटो शेयर करोगे, और कोई भी वो लकी विनर हो सकता है जिसको हम एक अच्छा सा कोई गिफ्ट देंगे। तो ये चीज़ आप करना ना भूलें। एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। कल आशी ने ऐसे किया था ना लव, अच्छा ऐसे।